हाय गाइस, सबका ऑटो वाले अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अशोक गुप्ता। और दोस्तों आप लोग को मालूम है कि आजकल खबर भी और न्यूज़ भी ऐसे हो गए हैं कि कहीं से आ रहे हैं कहीं से नहीं आ रहे हैं, और कोई भी अपना अपना कुछ ना कुछ बना के दे रहा है। दोस्तों अभी अभी जो है कल के दिन जो है पूरी की पूरी IPL ख़त्म हुई, और एक पूरा का पूरा जो है लगातार जिस हिसाब से IPL चालू था, सबके अंदर खुमार जो भरा हुआ था, मानना पड़ेगा एकदम रोड खाली, हर एक चीज़ खाली। लेकिन दोस्तों अब वो नहीं, और सबका जो है यहाँ पे खुमार ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, एक आज जो है हम लोग बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के ऊपर, आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों पठान मूवी जिस तरह से ब्लॉकबस्टर हुई और सबके दिमाग में बैठ गई, ऐसे ऐसे लोग थे जो जिसके ऊपर जो है उन्होंने मतलब गलत गलत बातें की, और फिर बाद में जो है वापस से उसे अच्छा बोलने लगे, और वो मूवी आज के तारीख में जो है 1000 करोड़ के ऊपर कलेक्शन करके टॉप में बैठी है। और वही शख्स जो है हजार हजार करोड़ बोलते थे, आज जो है ऐसे इस तरह से पलटवार हुए हैं, जो कि अब जो है इसके बाद जो है सुर्खियों में हुई थी जवान मूवी, आपको बता दूं पठान मूवी, और जो शाहरुख खान की आने वाली है जवान, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको टारगेट कर रहे हैं हमारे दोस्त मित्र कमाल आर खान। तो क्या टारगेट कर रहे हैं, जब पठान ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी तो बहुत जो है इन्होंने गलत बयान दिया था, फिर इन्होंने चश्मा लगा के बोलना चालू किया कि मैं जो है गलत बोल दिया, इसके लिए मैं चश्मा लगा रहा हूँ, आँख नहीं मिला पाऊँगा। अब जो है उन्होंने जो है यहाँ तक बोला था कि अब जो है शाहरुख खान की जितनी भी मूवी आएगी ब्लॉकबस्टर, जवान आने वाली है वो भी ब्लॉकबस्टर होगी, डंकी आने वाली वो भी होगी। दोस्तों अब मालूम नहीं क्या हो गया, ये एक महीने के बाद जो है ये जो है थोड़ा पलट गए हैं। और ये जो है अभी अभी उन्होंने कल ही जो है उन्होंने वीडियो डाला और ये बात हुई, उन्होंने ये बोलना चालू किया कि जवान मूवी में जो है शाहरुख खान सर के जो है डबल रोल हैं, एक बाप और बेटे की कहानी है, लेकिन ये कहानी जो है अपना जो है जूनी पिक्चर एक है अपना साउथ की पिक्चर में न्यू दिल्ली करके जो है, न्यू दिल्ली तो मैंने भी देखी है, जिसमें जो है जितेंद्र जो है बहुत अच्छा काम किए हैं पत्रकार का जो है, और एक्शन मूवी है और पूरा का पूरा जो है दिल को छू लेने वाली मूवी है। दोस्तों इनका कहना है कि उसका जो है ये डबिंग और थोड़ा बहुत मिला जुला करके बनाया गया। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, पठान मूवी का भी जो है जूना स्टोरी से ले करके उठा करके फिर वो जो न्यू मूवी में तब्दील करके अलग तरह से स्टोरी स्क्रिप्ट लिख के पब्लिक को दिखाई गई, और पब्लिक को वही चाहिए। देखो कोई नया नहीं आता है, आपको कहीं ना कहीं उठा करके थोड़ा जोड़ करके आपको बताना पड़ा। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे जो है जो डायरेक्टर ने बताने की, इटली जो डायरेक्टर है वो बताने की जो कोशिश की है, जूना में से थोड़ा उठा करके अब स्टोरी बना के स्क्रिप्ट लिख के बताए हैं तो कुछ बात ही अलग होगी। अगर बोल रहे हैं न्यू दिल्ली से थोड़ा बहुत उठाए हैं, तो न्यू दिल्ली तो मैं जानता हूँ उसमें पत्रकार के ऊपर है, और यहाँ पर जो है उन्होंने पूरा का पूरा ये बात किया है कि उसका कॉपी नहीं है क्योंकि उसमें पत्रकार है। यहाँ पर उन्होंने बताया जेल में है, इन्होंने आधा से ज़्यादा स्टोरी बता दिया, इनको कौन बताया वो बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि ये मूवी जो चाहे जो भी ये कमाल आर खान बोल ले उल्टा सुलटा, अब जो है पठान मूवी इनके मुँह से ही जो हजार हजार करोड़ बोलते थे, अब ये बोल रहे हैं कि 400 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ, मतलब पलटू राम कंपनी ये बन गए हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहीं भी क्या बोलते रहते, फिर आगे क्या बोलते समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये व्यक्ति अभी से ही जो है टारगेट करना चालू कर दिए हैं जवान मूवी के ऊपर, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि जवान मूवी जो है आएगी भले चाहे जो भी हो, जिस तरह से उसे निखारा है और बनाया गया है उस तरीके से, अगर उसके अंदर शाहरुख खान का डबल रोल है तो ये मूवी जो है काबिले तारीफ। बहुत दिन के बाद जो है डबल रोल में शाहरुख खान है और काबिले तारीफ, ये मूवी बहुत चलेगी और पब्लिक को पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्शन मूवी है और ये भी मूवी जो है ब्लॉकबस्टर होके रहेगी। तो मिस्टर कमाल आर खान, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, और जो है अब जो है इसका जब भी इसका गाना और
ट्रेलर वेलर रिलीज होगा तब हम लोग मिलते हैं आमने सामने और रिव्यू देते हैं। तो दोस्तों कमाल आर खान फिर पलटी मारा। दोस्तों बस इतना ही, मैं यही चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।